हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैटकम सॉल्यूशन। और आज हम लोग जो एनएक्स में नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं वो हमारी कुछ जो बची हुई कमांड थी उसको देखेंगे। यहाँ से इंसर्ट में चलते हैं और डिजाइन फीचर के अंदर एक्सट्रूड रिवॉल्व ये हम लोग पहले देख चुके हैं, होल मैंने बता दिया है पहले ही, और रिब हम कर चुके हैं, लैटिस कर चुके हैं, थ्रेड कर चुके हैं। तो कुछ ऑप्शन यहाँ पर बचते हैं, उसके लिए आज हम करते हैं एम्बॉस। तो एम्बॉस के लिए मैंने ये कुछ बना लिया है। मैंने क्या किया, पहले एक ही स्केच बनाया और इसको एक्सट्रूड कर लिया सरफेस में, और एक प्लेन लेके मैंने एक रेक्टेंगल पर बना दिया जो कि इस टाइप से दिख रहा है। अब हम चाहते हैं इसका एम्बॉस इस सरफेस पे आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप इंसर्ट से जाइए और इंसर्ट से जाने के बाद हम यहाँ से डिजाइन फीचर में जाएंगे और यहाँ से रहते हैं एम्बॉस। एम्बॉस में भी कुछ ऑप्शंस हैं, इसके अंदर सबसे पहले आता है सेलेक्ट कर्व, कर्व को सिलेक्ट करते हैं और टेंजेंट कर्व की जगह मैं कनेक्टेड कर्व कर देता हूं और ये कर्व मेरे सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आता है फेस टू एम्बॉस, मैं कौन से फेस पे एम्बॉस करना चाहता हूं वो सारे फेस मेरे को सिलेक्ट करने हैं, ये सारे फेस मैंने सिलेक्ट कर लिए। तो इस टाइप से आउटपुट आ जाएगा, ड्राफ्ट 5 डिग्री का आ रहा है, चेंज कर सकते हैं। एंड कैप में आते हैं, एंड कैप में आ रहा है प्लेन ऑफ सेक्शन, जो सेक्शन बनाया था उस सेक्शन से ही ये पूरा का पूरा बनता हुआ आ रहा है। इसको रिव्यू करेंगे तो इस टाइप से इसका रिजल्ट आ रहा है, देखिए। फिर यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं और यहाँ से लेते हैं डाटम प्लेन। डाटम प्लेन में आप कोई प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो, ये मैंने एक प्लेन सेलेक्ट किया है जो कि सरफेस से कुछ ऊपर दूरी था और ये इस टाइप से आ जाएगा। प्रीव्यू करके देखिए, ये बन जाएगा हमारा एम्बॉसिंग। फिर इसके अंदर जाते हैं और यहाँ से हम लेते हैं सिलेक्टेड फेस। सिलेक्टेड फेस लेने से क्या होगा, आप जिस फेस को सिलेक्ट करेंगे उस फेस तक आपको एम्बॉस मिल जाएगा। प्रीव्यू करके देखिए, इस टाइप से ये आ जाएगा। तो ये था हमारा एम्बॉस और एम्बॉस के जो ऑप्शंस हैं। इसके बाद जो सेकंड आता है वो है यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट एम्बॉस, उसके लिए भी मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक बनी भी शायद फाइल होगी, मैं उसी को ही ओपन कर लेता हूँ। ये वाला मैंने लिया, ओके। ये स्केचर में मैंने एक कर्व ये बना लिया है, अब मैं इसको करना चाहता हूँ रिवॉल्व। तो रिवॉल्व कमांड लेंगे, रिवॉल्व लेके इसको सेलेक्ट करिए और एक्सिस वेक्टर इस टाइप से आ रहा है। एक तो आपको करना क्या है, सेटिंग में जाइए और हमें सॉलिड नहीं, हमें चाहिए शीट, और सेकंड हमें चाहिए एंगल कुछ 77-140 के आसपास कुछ जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा ले लेते हैं। इससे होगा क्या, जो हमारा कर्व है वो कर्व बीच में आ जाएगा सरफेस के, ताकि जो हम लेना चाहते हैं वो हमारा बन पाए। अब यहाँ से जाते हैं और इंसर्ट में, और यहाँ से डिजाइन फीचर में जाने के बाद हमें मिलेगा ऑफसेट एम्बॉस। ऑफसेट एम्बॉस के अंदर एक ऑप्शन है पहले कर्व का और एक है पॉइंट का। तो सबसे पहले सिलेक्ट करिए कौन सी आपकी सरफेस है, पूरी सरफेस सिलेक्ट हो जाएगी। पाथ टू फॉलो, कौन से पाथ को फॉलो करना है उसे सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद ये एक साइड्स वैल्यूज राइट विड्थ लेफ्ट विड्थ और प्रीव्यू, एक बार पहले प्रीव्यू देखते हैं फिर इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा, शेप ज़्यादा बड़ी होगी तो नहीं बन पाएगा, तो हम जो उसकी विड्थ है उसे कम कर देंगे। तो विड्थ अभी ज़्यादा लग रही है तो विड्थ को हम करते हैं कम, इधर से भी करा हमने से कम, तो 5, और इधर से भी मैं 5 ले लेता हूँ, और फिर करते हैं 5 में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, 8 7 और 7 लिया और प्रीव्यू ये आ गया, देखिए ठीक है। और अंडू करा इसको रिजल्ट को, और यहाँ से करते हैं फ्लिप। फ्लिप करने से क्या होगा, ये ऊपर की साइड आ जाएगा। प्रीव्यू करिए, ये हमारा बन के आ जाएगा, और इसे करते हैं ओके। फिर दूसरा इसका जो ऑप्शन है वो पॉइंट के थ्रू है, तो मुझे एक पॉइंट चाहिए सरफेस पे,
तो आपको क्या करना है, डाटम प्लेन में इसमें जाएंगे और यहाँ से हमें मिलेगा पॉइंट, और पॉइंट में हमें सिलेक्शन करना है पॉइंट ऑन सरफेस, इंफ्रारेड की जगह आप लीजिए पॉइंट ऑन फेस, और फेस पे क्लिक करिए एक पॉइंट और ओके। अब जाते हैं मेन्यू में इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर डिज़ाइन फीचर के अंदर आपको मिलेगा ऑफसेट एम्बॉस, और यहाँ से कर्व की जगह पॉइंट लिया, सरफेस को सिलेक्ट करिए और फिर स्पेसिफाई पॉइंट, पॉइंट कौन सा था हमारा, उस पॉइंट को क्लिक करिए जो हमने पॉइंट बनाया, और वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही हैं तो मैंने थोड़ा सा छोटा करा, छोटा करा और फिर प्रीव्यू इस टाइप से आ गया। ये अंदर की तरफ हो रहा है, डीबॉस हो रहा है, एम्बॉस करना चाहते हैं तो इसको फिर से फ्लिप ऊपर की तरफ करिए और प्रीव्यू ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन थे ऑफसेट एम्बॉस। इसके बाद हम करते हैं, फाइल में जाके एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, अब यहाँ से मेन्यू में जाएंगे और इंसर्ट में जाके डिजाइन फीचर के अंदर यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक, ब्लॉक लीजिए और ब्लॉक को लेके लेंथ विड्थ हाइट स्पेसिफाई करिए और ओरिजिन इसने ये ले लिया है, और प्रीव्यू करते हैं तो हमारे पास एक ही ब्लॉक बन जाएगा। ब्लॉक के अंदर कुछ यहाँ पे ऑप्शन भी हैं, टू पॉइंट अगर आपके पास कोई टू पॉइंट है एंड हाइट है तो भी ले सकते हैं आप, स्पेसिफाई पॉइंट एक तो ओरिजिन है ही, दूसरा पॉइंट कहाँ पर चाहिए आप क्लिक करके ले सकते हो, एग्जिस्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ये सब यहाँ पे दे रखे हैं, जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप ले सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ही, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक किया और वैल्यू इसकी हाइट दे दी और प्रीव्यू ये आगे ब्लॉक, हाइट आपको कम करनी है कम कर दीजिए ब्लॉक बन जाएगा। ऐसे ही एक टू डायगोनल पॉइंट चाहिए तो पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपका ब्लॉक बन जाएगा। इसे कैंसिल करता हूँ और फिर इंसर्ट में आते हैं और डिजाइन फीचर में जाके यहाँ से सिलेंडर, सिलेंडर में जाइए, इसमें एक्सेस हमने सेलेक्ट कर दिया, डायमीटर और हाइट और प्रीव्यू बन जाएगा सिलेंडर, डायमीटर 50 का हाइट 100 की। इसी के कुछ और ऑप्शन है इसके अंदर, आर्क एंड हाइट सेलेक्ट करिए, आर्क आर्क हमारे पास है नहीं, आपको बनानी पड़ेगी पहले या तो, या इससे ही ले लीजिए। फिर यहाँ से जाते हैं हम इंसर्ट डिजाइन फीचर और यहाँ पे कौन कौन में जाएंगे, सेम वही डायमीटर और हाइट स्पेसिफाई करिए और प्रीव्यू, हाइट मुझे लग रही है कम है तो हाइट मैंने ज़्यादा ले ली कुछ, और टॉप का कुछ रेडियस डालना चाहते हैं तो टॉप का भी रेडियस डाल सकते हैं कुछ, तो ये फ्रिस्टम बन जाएगा, ठीक लगता है तो ओके अदरवाइज कैंसिल। फिर से जाते हैं यहाँ से और डिजाइन फीचर, और डिजाइन फीचर में है स्पेयर, स्पेयर लेने के बाद सेंटर पॉइंट चाहिए और डायमीटर चाहिए, सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और डायमीटर 100 का, प्रीव्यू 100 के बाद ये हमारा एक स्पेयर बन जाएगा, ठीक लगता है तो ओके अदरवाइज कैंसिल। अब नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं इसमें आता हूँ पहले मैं, और अब यहाँ से आते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में जाके लेते हैं डिजाइन फीचर, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये सारे मैंने बता दिए हैं आपको कुछ प्रीवियस वाले जो हमारे थे ट्यूटोरियल्स में। एक ग्रूव, ग्रूव और बचता है, ग्रूव नहीं हुआ है तो एक ग्रूव को भी देख लेते हैं। तो ग्रूव के लिए मैंने क्या किया, इसे डिलीट करते हैं और स्केच में जाइए, क्लिक करके और यहाँ से मैं एक सिलेंड्रिकल कुछ कंपोनेंट बना लेता हूँ, और इसको कर देते हैं यहाँ से आके रिवॉल्व, ये हमारा आर 180 और 180 ये हमने बना लिया। अब इसके ऊपर बनाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में डिजाइन फीचर और यहाँ पे है ग्रूव, ग्रूव में लिखिए, ग्रूव में तीन ऑप्शन है, एक तो है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लिया ऊपर वाले फेस के ऊपर की साइड क्लिक करते हैं, ग्रूव का डाया कितना चाहिए और विड्थ कितनी चाहिए और ओके करते हैं तो ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं आप इसे ओके करिए तब आपको पता चलेगा इस टाइप से, ठीक है। विड्थ ये थी और डायमीटर उसका ये वाला है,
फिर से लिया, इंसर्ट में गए और यहाँ से फीचर में जाके हमने लिया ग्रूव, और ग्रूव में बॉल एंड लेते हैं और क्लिक किया हमने यहाँ पे, और ग्रूव का डाया कितना चाहिए, ग्रूव का डाया हमने लिया, पहले 37 था इस बार 45 लिया, और बॉल का डायामीटर कितना चाहिए 10, और ओके 45 और 10 ओके ओके 10 का बीच वाला गैप हो गया और 45 का डाया हो गया। फिर से जाते हैं और इसके अंदर है हमारे पास ग्रू, ग्रू में है यू ग्रू, और सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने डाया लिया है ग्रू का डाया 45, चलिए चलेगा, कॉर्नर इज टू विड्थ 10 की जगह 8 कर देते हैं और ओके और ओके। ये देखिए ये यू वाली शेप है, ये बॉल शेप है और ये रेक्टेंगुलर शेप है, इस टाइप के ग्रू इसके ऊपर बना देंगे अगर आप लेते हैं तो हमारा डिजाइन फीचर है जो वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा हमने नीचे तक कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस ट्यूटोरियल में डिजाइन फीचर के ही बाकी ऑप्शन, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, एसोसिएटिव कॉपीज़ के जो ऑप्शन बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।